बरेली में सेना के एक जवान को ट्रेन से कल यानी कि शुक्रवार को फेंक दिया गया था। इस वारदात का आरोप ट्रेन के टीटीई पर लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीटीई और जवान के बीच ट्रेन में चढ़ने को लेकर बहस हुई थी, जिसके बाद टीटीई ने गुस्से में फौजी को ट्रेन से धक्का दे दिया था। ट्रेन की चपेट में आने से फौजी गंभीर रूप से घायल हो गया था। अब आपको बता दें, खबर आ रही है कि जवान के साथियों ने मौके पर पहुंचकर स्टेशन में हंगामा काट दिया था। उनके साथियों ने टीटीई से मारपीट भी की। सेना के जवानों के गुस्से के सामने पुलिस भी लाचार नजर आ रही थी। वहीं बरेली स्टेशन पर मामला बढ़ते देख पुलिस, जीआरपी और रैपिड एक्शन फोर्स ने बीच बचाव किया और मामले को शांत कराने की कोशिश भी की। इसके बाद घायल जवान को मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक फौजी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सेना के कई अधिकारी भी बरेली जंक्शन पहुंच गए। सुरक्षा नियमों की बात कहते हुए सेना के अधिकारियों ने घायल जवान की जानकारी शेयर करने से मना कर दिया है। वहीं फौजी के साथ हुई इस घटना से गुस्साए फौजियों ने आरोपी टीटीई को मिलकर खूब पीटा है। सैकड़ों की संख्या में सेना के जवान बरेली स्टेशन जा पहुंचे। इस मामले में पुलिस ने कहा कि आरोपी के खिलाफ जीआरपी थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। वहीं इंस्पेक्टर क्राइम अजित प्रताप सिंह ने बताया कि पूरे मामले की जाँच की जा रही है। वहीं फौजी का नाम और पता अभी बताने से इनकार कर दिया गया है। फौजी को बेहोशी की हालत में मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था।